देखो अब आप सब लोग क्लास फोर्थ में पहुंच गए हो। क्लास फोर्थ में आपको टू डिजिट्स के मल्टीप्लाई किससे करने, थ्री डिजिट्स के साथ, ठीक है। आप लोग हमेशा क्या गलती करते हो, हमेशा याद रखना है ये कौन सी प्लेस है, इसकी 9 और 5 की कौन सी प्लेस है, वंस। कौन सी प्लेस है, वंस। जब मैं प्लेस पूछती हूँ तो आपको बतानी है कि वंस है 10 से क्या है, तो 9, 5 की प्लेस है वंस। 8 और 2 की प्लेस क्या है, 10। और इस 2 की प्लेस क्या है, 100। वेरी गुड, ठीक है। हमेशा हम मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये तीनों हम लोग हमेशा करते हैं वंस से। किससे स्टार्ट करते हैं, वन। तो आप नीचे देख रहे हो 25 लिखा है, क्या लिखा है, 25। सबसे पहले हम 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 का टेबल बोलेंगे, 5 के टेबल को पहले करेंगे, ठीक है। तो 5 9s are 45, तो 45 का 5 और 4 10, 5 8s are 40, 40 plus 4 44, 44 का 4 इधर और 4 इस साइड, क्या है, 5 2s are 10, 10 plus 4 40, ये हो गया। अभी तो हमने 5 से किया है, अभी 2 भी बाकी है, लेकिन हम लोग आपने अक्सर किया है यहाँ पे क्रॉस, क्या आपको पता है कि क्रॉस क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं, दूसरे से मल्टीप्लाई करना, वो ठीक है, लेकिन अब हम किसे मल्टीप्लाई करें, 2 से, और 2 की प्लेस क्या है बेटा, 2 की प्लेस क्या है, 10, 10 से, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि जब 2 की प्लेस 10 है तो हम इसको 10 से ही स्टार्ट करेंगे, ये मतलब होता है इस क्रॉस का। आगे सबको बात समझ में, yes, ma'am. इसकी प्लेस 10 है, इसीलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अगर मैं 3 डिजिट्स के मल्टीप्लाई दूंगी तो हम लोग 100 वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, yes, ma'am. ठीक है, अब चलो स्टार्ट करें। 2 9s are 10, 2 8s are 16 plus 1 17, 7 1 क्या है, 2 2s are 4, 4 plus 1 5, अब ये कर दिया आपने मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया ना, टेबल्स बोल दिए सबके, अब हम इसको करेंगे प्लस, क्या करेंगे प्लस। अब चलो 5, 5 नीचे कुछ है, 5 का 5, 4 plus 12, 12 का 2 लिखेंगे और 1 फिंगर का काउंट कर जल्दी, 12 का 2 और 1 क्या 1 plus 1 7 2 2 plus 5 7 7। अब हमारा आंसर आ गया, अब हम बॉक्स को क्लोज करते हैं। आपका आंसर आया 7225। सबको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया, यस।